धर्मांतरण मामले में विरोध करते हुए बजरंग दल ने डीएम कार्यालय घेरते हुए नारेबाजी शुरू कर दी और अपनी मांग को लेकर विरोध स्वरूप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। दरअसल पिछले एक महीने से मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में चंगी सभाओं के नाम पर ईसाई समाज द्वारा गरीब हिंदुओं को टारगेट करते हुए उनका धर्मांतरण कराने के मामले में बजरंग दल ने आरोपियों को मौके से पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। इस मामले में सिविल लाइन पुलिस ने 4-5 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन पुलिस ने सभी आरोपियों को थाने से ही छोड़ दिया, जिसके बाद से बजरंग दल ने मुरादाबाद पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मामले में आज सैकड़ों बजरंग दल कार्यकर्ता अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम कार्यालय के गेट पर बैठकर हंगामा करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। बजरंग दल ने आरोप लगाया है कि पुलिस आरोपियों से हमसाज हो गई है, क्योंकि 3 दिन पहले सिविल लाइन क्षेत्र में ईसाइयों द्वारा गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने पर कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन उसके बाद भी आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल संगठन के बड़े पदाधिकारियों द्वारा तय किया गया कि आज माननीय जिलाधीक्षक को ज्ञापन दिया जाएगा पुलिस अधीक्षक जी को, और उनका समय भी लिया गया था 12 बजे का। जो हम देने भी गए थे उन्होंने हमसे मिलने को बिल्कुल मना कर दिया, यानी उनके जो प्रतिनिधि बैठते हैं सीओ साहब बैठते हैं, सीओ साहब ने हमने कहा कि 5 जने मिली हैं और कप्तान साहब मिलना चाहते हैं आपसे। हम अंदर गए, उन्होंने फिर हमसे मिलने को मना कर दिया। हमारा विषय ये था धर्म परिवर्तन का, जो विषय इस मुरादाबाद महानगर के अंदर बहुत बड़ी तादाद पर चल रहा है। आज से लगभग 20 से 25 दिन पहले हरतले में भी एक घटना सामने आई, उसमें साक्ष्य भी दिए गए, सबूत भी दिए गए सिविल लाइन पुलिस को, और उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरह एक घटना चक्कर की मिलक प्रताप सिविल लाइन में, वहाँ पर एक ज्वाइंट फैमिली रहती थी और एक भाई ने धर्म परिवर्तन कर लिया, 3 भाई ने विरोध भी किया। 3 भाइयों ने उस देहरादून के व्यक्ति के खिलाफ FIR भी, मुकदमा दर्ज भी कराया, फिर भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसी 19 तारीख में आशियाना में ऐसी घटना सामने आई, फिर भी सारे प्रमाण दिए गए, 1 लाखों की तादाद में रुपए भी वहाँ थे, वो भी वहाँ बरामद किए गए पुलिस द्वारा, और काफ़ी ज़्यादा सामग्री भी जो हमारे समाज को तोड़ने में काम आती है वो सामग्री भी बरामद की गई पुलिस द्वारा, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इसके विरोध में आज हम माननीय जिलाधिकारी साहब को हमने ज्ञापन दिया, उनसे मांग की कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। भाई स्वतंत्रता भारत में सबको आज़ादी से रहने की इच्छा है, पर लेकिन किसी दूसरे के धर्म को हानि पहुँचाकर रहने की इजाज़त नहीं है। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो जिससे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटना प्रदर्शन किया हनुमान चालीसा पड़ेगी, इसका कारण जानना चाहेंगे। आज माननीय जब SSP साहब ने हमसे मिलने को मना कर दिया गया, और फिर हमने आज जिलाधिकारी जी के गेट के आगे बैठकर हमने हनुमान चालीसा की गई, तब उन्होंने सबको बुलाकर हमारी समस्या सुनी, हमने सारी समस्या